गवादर मास्टर प्लान 2019 के ऊपर किस हद तक अमल दरामद हो रही है ये जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट राहत इरम और आप देख रहे हैं मेरा शो गवादर इनसाइट। व्यूअर्स, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ मास्टर प्लान के हवाले से, क्योंकि मुझे बहुत सी कॉल्स आप लोगों की तरफ से मौसूल हो रही हैं और इस तरह से आ रही हैं आप लोगों की कॉल्स कि जी गवादर में क्या हालात चल रहे हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स में जो है वो कुछ बेहतरी आई है या नहीं, इस तरह के सवालात आप लोगों की जानिब से मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम अपने शो में गवादर जो मास्टर प्लान 2019 में आया उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन से इकदाम थे जो किए जाने थे 2019 के मास्टर प्लान के अंदर और उसमें किस हद तक पेशरफ्त हुई है। तो आइए शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवादर पाकिस्तान का दूसरा शहर है जो कि मास्टर प्लान के ऊपर एक बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेवलप किया जा रहा है। 23 अगस्त 2019 को बलूचिस्तान की गवर्निंग बॉडी के एक इजलास में गवादर का मास्टर प्लान अप्रूव कर दिया गया। गवादर मास्टर प्लान 2019 काफ़ी डिले के बाद आया, लोगों को इस सिलसिले में काफ़ी इंतज़ार था कि इस मास्टर प्लान के आने से पहले लोगों के जहनों में बहुत सी बातें चल रही थी, बहुत से खदशात थे कि गवादर का मास्टर प्लान जो कि आएगा तो गवादर को एक ख़ास रकबे तक का ही होगा वो मास्टर प्लान, और जो एरियाज उस मास्टर प्लान के अंदर नहीं आ रहे होंगे वो गवादर का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 के मास्टर प्लान के तहत किसी सोसाइटी, किसी भी हाउसिंग स्कीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जो हाउसिंग स्कीम, जो सोसाइटी जिस जगह पर जितने एकड़ पर मौजूद थी वो वहां पर अब भी मौजूद है और उसी मास्टर प्लान, उसी गवादर का हिस्सा है। इसके अलावा गवादर मास्टर प्लान 2019 के आने से पहले एक ये भी र्यूमर लोगों में काफ़ी गर्दिश कर रही थी कि ओल्ड गवादर को जो है वो मास्टर प्लान आने के बाद जो है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। न्यू मास्टर प्लान के मुताबिक ये कहा गया कि ओल्ड गवादर को डिमोलिश नहीं किया जाएगा बल्कि उसे ओल्ड सिटी से मॉडर्न सिटी में रेनोवेट कर दिया जाएगा। गवादर मास्टर प्लान 2019 को 3 फेजेज़ में डिवाइड किया गया। शॉर्ट टर्म फेज़ जो कि 2025 तक का था, मिड टर्म फेज़ जो कि 2035 तक का रहा, लॉन्ग टर्म फेज़ जो कि 2050 तक का डिसाइड किया गया। व्यूवर्स, आज के शो में मैं आपको गवादर का जो फर्स्ट फेज़ है जो कि 2025 तक का डिसाइड किया गया उसमें कौन कौन से इकदामात को शामिल किया गया, कौन कौन सी चीज़ें प्लानिंग में शामिल की गई, उसका मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दूंगी। सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ ये डिसाइड की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इंस्टॉल की जाएंगी, क्योंकि जिस एरिया, जिस शहर में इंडस्ट्रियल जोन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना सिर्फ वहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्ट्रांग होगा बल्कि वहाँ की डेवलपमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो व्यूअर्स, 2019 के मास्टर प्लान में ये डिसाइड किया गया कि फर्स्ट फेज़ में इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल की जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें प्लानिंग में शामिल थी फर्स्ट फेज़ के हवाले से, उसमें ये भी चीज़ शामिल थी कि गवादर में कम्युनिटीज़ को फ्लोरिश करने के हवाले से भी इकदामात किए जाएंगे फर्स्ट फेज़ के अंदर, और गवादर को लिवेबल किस तरह से बनाया जाए ये भी प्लान किया गया, और गवादर में उन किन फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है जो कि वहाँ पर कम्युनिटीज़ को, जिसकी वजह से फ्लोरिश किया जा सके। इसके अलावा गवादर के पॉपुलेशन को मैनेज करने की भी बात की गई। फेज़ वन में कहा गया कि गवादर की आबादी को 3 लाख तक, जबकि फेज़ टू में गवादर की आबादी को 6 लाख तक लेकर जाया जाएगा। GDA और चाइनीज़ ने मास्टर प्लान 2019 के तहत एक CBD प्लान की, उसके तहत गवादर में एक डाउनटाउन एरिया डेवलप किया जाएगा। ये डाउनटाउन एरिया एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जाएगा और ये एक इंटरनेशनल हब होगा। मास्टर प्लान 2019 में इस बात की भी वजाहत की गई कि GDA ने बिल्डर्स को जो चीज़ें प्रोवाइड करनी हैं वो कर दी जाएंगी, और जबकि बिल्डर्स भी GDA और अलॉटीज़ के साथ अपनी की गई तमाम तर कमिटमेंट्स को न सिर्फ फुलफ़िल करेंगे बल्कि प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी भी वक्त पर की जाएगी। और अब बात करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से, जो कि गवादर का एक बहुत बड़ा इशू रहा है। तो मास्टर प्लान 2019 में सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी प्लानिंग की गई। सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल किया गया जिसके तहत सैकड़ों चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। कराची से गवादर तक जो कोस्ट लाइन है उस पर सिक्योरिटी का एक पूरा बाकायदा सिस्टम ऑन किया जाएगा।
मजीद ये प्लानिंग भी की गई कि पुलिस स्टेशन, रेस्ट एरियाज, पेट्रोल पंप्स बनाए जाएंगे ताकि वहाँ पर जो मौजूद इंडस्ट्रियलिस्ट और रेजिडेंट्स को सिक्योरिटी फराहम की जा सके। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें प्लान की गई मास्टर प्लान 2019 के अंदर, जैसे कि 2023 तक कहा गया कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन ग्वादर मुहिम के तहत इस हवाले से भी काफ़ी इकदाम किए जाएंगे। एनर्जी के हवाले से अहम ऐलान किए गए। ग्वादर में टूरिज़म पर ख़ास तौर पर जोर दिया गया। ग्वादर में लोकल और ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को वेलकम और उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से भी बेहतर से बेहतर इकदाम करने की बात की गई मास्टर प्लान 2019 के अंदर। तो नाज़रीन, आज मैंने अपने शो में एक शॉर्ट रिव्यू दिया आपको मास्टर प्लान 2019 के हवाले से, कि जो 2019 का मास्टर प्लान आया उसमें जो है फर्स्ट फेज़ यानी 2025 तक किन किन चीज़ों को की प्लानिंग की गई, क्या क्या इकदामात रखे गए कि उन पर अमल दरामद किया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि 2025 का जो मास्टर प्लान जो फर्स्ट फेज़ है हमारा, उसके अंदर कौन कौन से इकदामात शुरू कर दिए गए हैं, ग्वादर में काम कहां तक पहुंचा, वहां के डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। जिस तरह से आप लोगों की कॉल्स मुझ तक आती हैं और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि वहां डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है, वहां प्रॉपर्टी के रेट्स के क्या हालात चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे अपने नेक्स्ट शो में कि जो है वहाँ पर 2025 में जो चीज़ें प्लानिंग में थी उन पर किस हद तक अमल दरामद शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट शो में हम ये देखेंगे कि 2025 यानी मास्टर प्लान का जो फर्स्ट फेज़ है उसमें जो प्रॉमिसेस किए गए, जो दावे किए गए, जो वादे किए गए आवाम के साथ, हमारे साथ, उसमें जो है वो किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, किस हद तक पेशरफ्त हो रही है। तो नेक्स्ट शो तक के लिए अपनी होस्ट राहत इरम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।